तो आप सारा खुद प्रिपेयर करते हैं? जी, मैं 6 o'clock इन द मॉर्निंग उठ जाती हूँ। अच्छा, ये तड़के वाले बासमती राइस है। क्या बात, तड़के वाले? जी, इनफैक्ट तड़का भी लगा हुआ है और ये स्टार्च फ्री भी है। स्टार्च बोथ। उसके बाद ये सर व्हाइट चने जी, व्हाइट चने, राजमा और कड़ी। अच्छा। ये तीन चीजें मील मेन्यू में रोज होती हैं। रोज होती हैं जी, बाकी जो कोई सब्जी होगी चीज भी होती होगी। हाँ राइट, एक थाली के लिए एक सब्जी स्पेशल बनती है। हाँ जी। एक दाल बनती है, एक दाल वो जरूर बनती है। ये व्हाइट चने आज कड़ी नहीं है क्योंकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग अगर लस्सी नहीं मिलती है, ज्यादा फर्मेंट होती है, ज्यादा फ्रेश होती है, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। ओके, तो इसलिए मतलब कि पैशन है पूरा कुकिंग। यस यस यस, मैं बहुत पर्टिकुलर। ये येलो दाल है आज, मूंग दाल है इसमें। दालें चेंज होती रहती हैं, काले मसर से लेके और जो रेड मसर होते हैं, चने की दाल होती है, हर तरीके की वैरायटी मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। उसके बाद ही आपके आ जाएंगे सबके फेवरेट, बच्चों से लेके बड़ों तक, राजमा। क्या बात है। तो आज हमें साग नहीं मिलने वाला? नहीं सर, आज आपको साग नहीं मिलेगा, सॉरी। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबके फेवरेट, सबके फेवरेट होते हैं सर राजमा। और इसमें राजमा में भी आप देख रहे हैं दो तरीके के राजमा मिक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे टेक्सचर आता है। अच्छा, तो वो दैट्स माय स्टाइल ऑफ कुकिंग। उसके बाद सर आज सब्जी ऑफ द डे है। आप बिलीव नहीं करेंगे किसी स्ट्रीट वेंडर के पास आपको ये सब्जी मिलेगी। ये किस चीज की सब्जी है सर? ये कटहल है। कटहल जी, फ्राई करके बनाया जाता है इसे। मतलब कि मैं वही सोच रहा हूँ, आपने कहा स्ट्रीट वेंडर के पास नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। सबसे बाद इसको काटना और वो सब कुछ करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। राइट, इट्स वन और वन एंड हाफ आवर प्रोसेस। बट आप ये रोज बनता है या कैसे बनता है? नहीं, ये यू कैन से कि डेली जैसे सब्जी चेंज होती है, तो आज के मेन्यू में कटहल है मेरे पास। या तो मैम, अब कटहल हो गया, कटहल के बाद अब उसमें क्या रहता है खाने में, अपना वो बताइए जरा। खाने में सर मक्की की रोटी रहती है एक, तो अच्छा। जो चुकंदर और कच्ची हल्दी डाल के बनाई जाती है। चुकंदर और कच्ची हल्दी डालकर? वो भी आपको किसी स्ट्रीट वेंडर के पास नहीं मिलेगी। ये भी मुझे फूड ब्लॉगर ने ही कहा था, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने आज तक सुना ही नहीं है। आज के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है सर, वो होता है शलगम की सब्जी या शलगम का साग, यहाँ पे लोग उसको बोलते हैं। हाँ जी हाँ, तो ये कॉम्बो होता है मेरा। शलगम का बनाते हैं, सरसों का साग। चपाती दिखाइए सर। आज मक्की की रोटी तो है नहीं, मैंने आपको बताया ही है। जी, 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 तो ये सरसों का साग, सॉरी चपाती, ये तवा चपाती है। अच्छा, तवा ये भी अगेन मैंने जो आपको बताया था, ये ठंडे आटे की चक्की से आटा बनता है। अच्छा, ये हाई फाइबर आटा होता है। ओके, और मतलब वेरी वेरी मच डाइजेस्टिव। अच्छा, और आप इसके कलर से भी देख ही सकते हो, ब्राउन कलर से, कि इट्स लाइक प्योर। ये सारा कुछ आप खुद कुक करते हैं? जी। क्या रूटीन रहता है आपको, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं मॉर्निंग 6:30 स्टार्ट करती हूँ और एकदम टिच तैयार होके 12 बजे यहाँ पर आ जाती हूँ। टिच तैयार हो गए। यस। और आपकी टाइमिंग्स क्या रहती है यहाँ की? टाइमिंग सर 12 बजे, 12 से 4 में यही होती हूँ। 12 से 4:30 तक। हाँ जी। और फैमिली वगैरह सब मैनेज कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटी को सुबह स्कूल भेज के आराम से उसके बाद मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे बेटी अब हो गई है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, 13 साल की है मेरी बेटी। और बताइए मैम, ये मेरे को कुछ दिख रहा था, इसमें ये क्या चीज है? ये सर फ्रेश सैलेड। अच्छा, फ्रेश सैलेड। जी सर, इसमें आप देख रहे हैं स्प्रिंग अनियंस वगैरह है। मैम मैंने बहुत वीडियो शूट किया, बट एक स्ट्रीट फूड के पास, स्ट्रीट वेंडर के पास मैंने इतना कुछ नहीं देखा। सर फ्रैंकली बताऊं, अभी आपने रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। फ्रैंकली बताऊं, अभी आपने वैरायटी कम देखी है। अभी कल से जैसे वीकेंड शुरू हो रहा है मेरा, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ जी। उसमें मेरे पास होती है चिल्ड खीर गुड़ से बनी हुई। गुड़ से बनी? जी, गुड़ से। और उसके साथ मेरे पास होता है दही भल्ले जिसमें ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी स्टफ होती है। अच्छा, वो मेरी एक स्पेशलिटी कह लो आप। हाँ हाँ। उसके लिए बहुत लोग मतलब आते हैं स्पेशली उसको खाने। तो वीकेंड से बनते हैं? वो वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे याद आई। अच्छा, और खाने के बाद फिर मैं क्या देते हैं वो भी दिखाइए जरा एक बार। ये अचार है? हाँ, ये अचार है। अच्छा, ये अचार, ये आंवले का अचार है। ये भी मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ। खुद प्रिपेयर करते हैं? एक्चुअली आई एम लाइक प्रो इन पिकल्स विदाउट ऑयल। ओके, ये भी मेरी एक क्वालिटी है। नहीं नहीं, पिकल्स ना मार्ट में सप्लाई होता था। ओके, बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा, तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, लॉयर, शेफ एंड एवरीथिंग। यस, ये भी चटनी, अगर पुदीना होता है तो पुदीना, जैसे धनिया चल रहा है फ्रेश। हाँ जी। तो धनिया, प्रॉपर धनिया। हाँ, प्रॉपर धनिया, अनियन एंड हरी मिर्ची की होती है चटनी। हरी मिर्च की। तो ये भी अगेन लोग स्पेशली पैक करवा के ले जाते हैं, चटनी चटनी पैक करवा। और मैम उसके बाद खाने के बाद मीठे में क्या मिलता है? यस सर, कैंडी एंड गुड़। क्या जैसी जिसकी प्रेफरेंस होती है। अच्छा, जो जो मांगता है उसको वो मिलता है। हाँ, यस, कैंडीज एंड गुड़। ये
ये हमें बचपन की याद दिलाती है, वो जो कैंडीज होती हैं। तो मम्मी क्या लग रहा है अब? ये सर जैसी जिसकी प्रेफरेंस है। अच्छा। राइस के साथ दो कॉम्बो लग रहे हैं जिसमें छोले भी जाएंगे और राजमा भी जाएंगे। अच्छा जी, ये आगे बिल्कुल फ्रेश, क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैम। थैंक यू सर। कहते हैं ना सर, सबसे पहले हम खाना जो होता है वो आँखों से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम लोग राइट राइट। मैम क्या चाहिए आपको साथ में, वाइट चने या येलो दाल? हाँ, ये अभी वाइट चने। ये वाइट चने जी। तो मैम जैसा कोई कॉम्बो चाहेगा उसको वैसा ही मिल वैसा जाएगा। वैसा ही मिल जाएगा उसे। साथ में सैलेड, क्या बात है। जिससे मतलब आप ये लगा लीजिए, प्रिपरेशन से लेके सब कुछ मॉर्निंग में ही होता है। इवन सैलेड भी मॉर्निंग में कटता है। मैं इतना भी नहीं कर सकती कि सैलेड रात को काट दूं। वो इस लेवल का मुझे है थोड़ा सा कुकिंग के लिए। तो मैम और बताइए, ये अब ये क्या रह गया? ये सर बूंदी वाली लस्सी है। बूंदी वाली लस्सी जी, क्या रायता कह लो, बूंदी वाली लस्सी कह लो। ये देखिए भाई, इसमें भी सर घर पे पुदीना मैं सुखा के रखती हूँ सीजन में। अच्छा। तो वो पुदीना, इसमें सूखा पुदीना डाला जाता है। मैम मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह आप ये सब कुछ खुद मैनेज कर लेते हैं करना? सर कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज का पैशन है। हाँ जी। जैसे आपको आपके प्रोफेशन का पैशन है। राइट। हो सकता है आप कई बार ऐसा कुछ वेन्यू पे जाते हो जहाँ पे आपको आधी रात को भी वीडियोस बनाते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, तो वो आप जाते होगे खुशी से जाते होगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बस सेम मुझे है, मैं जब किचन में घुसती हूँ ना तो बस भजन लगाती हूँ और इतनी अपने आप को कुकिंग में इन्वॉल्व कर लेती हूँ, दैट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। मेडिटेशन, या राइट राइट राइट। तो एक बार बताएंगे मैम, एक मैं देख रहा था आपके टैटूज का, थोड़ा सा बताइए जरा। हाँ राइट राइट। एक तो सर मेरा ये टैटू है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जी, क्या बात है। अन्नपूर्णा देवी मैया, देवी मैया है। देवी मैया। तो मेरे पापा मुझे बोला करते थे कि ये हमारे घर की अन्नपूर्णा है। अच्छा। किसी को भी ऐसे जाने नहीं देती या कभी भी कुछ भी किसी भी चीज से कुछ भी बना के एटलीस्ट पेट भर देती है, तो वो मुझे अन्नपूर्णा कहते। आज वो पैशन बिल्कुल यही हो। हाँ राइट राइट। आज मेरे पापा होते तो बहुत खुश होते, ये उन्हीं को डेडिकेटेड है बेसिकली। अच्छा अच्छा। एक टैटू हो रहा है। अपने आप ही बन गया मतलब की। हाँ राइट, ये मेरे मन में आया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ करवाना है, कुछ तो मैंने इसको डिजाइनिंग करवाई। डिजाइनिंग में 2 दिन लगे, उसके बाद फाइनली। अच्छा, बताना चाह रहे थे। हाँ जी। तो जब मैं मैम के पास आई तो इन्होंने, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, इन्होंने हमें एक तो खीर खिलाई, वो बहुत अच्छी थी, फ्रोजन होती है वो। ओके। और एक वो भल्ले वाला था जिसमें स्टफिंग थी, ड्राई फ्रूट्स। हाँ जी, वो बहुत अच्छा था। तो जब भी कोई वीकेंड पे आए तो जरूर ट्राई करें। जरूर ट्राई करें। तो आपकी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है वो। 101%। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे आप कह रहे थे सुबह 6 बजे उठते हैं जी। तो उसके बाद सारा प्रिपरेशन करके और मैम ये मैम आप इसमें आते हैं जी। हाँ, ये मेरी गाड़ी है। ये देखिए, ये मैम की गाड़ी है। ये देखिए भाई, और ये है मेरा चलता फिरता किचन जिसमें मैं सब कुछ अरेंज करके लेके आती हूँ। ये चलता फिरता, क्या ये देखिए। पहले तो मैं 1 महीना इसी में खाना लगाती थी। अच्छा। उसके बाद मैंने अभी ये काउंटर अरेंज किया। ओके ओके। यहीं से सर्व करती थी लोगों को। तो मैम एक बार बताएंगे आपकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं? टाइमिंग सर मैं 12 बजे यहाँ आ जाती हूँ। हाँ जी। फिर 4:30 तक यहीं रहती हूँ। 4:30 जी। और मैम किस नाम से है ये? ये सर पर्ल्स किचन के नाम से है। पर्ल्स किचन के नाम से। अच्छा, और मैम एड्रेस क्या रहेगा? एड्रेस सर ये जब आप डुगरी रोड से आते हैं, 200 फुट रोड बोलते हैं इसे। हाँ जी। 200 फुट रोड की तरफ जब आप आते हैं तो बिल्कुल टी पॉइंट से राइट लेते ही मैं 10 मीटर पे खड़ी हूँ। 10 मीटर पे जी। आपका नाम? मोनिका शर्मा सर। मोनिका शर्मा, हम लॉयर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।